हे गाइस, वेलकम टू कोडिंग ज्ञान। और इस वीडियो में हम डीएमएल और उसके कमांड्स के बारे में सीखेंगे। तो डीएमएल मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, द सीक्वल कमांड्स दैट डील्स विद द मैनिपुलेशन ऑफ डेटा लाइक सेलेक्टिंग, डिलीटिंग, इंसर्टिंग एंड अपडेटिंग डेटा इन डेटाबेस। तो इस लैंग्वेज जो डीएमएल है, इसके कमांड से हम जो हमारे टेबल में डेटा है उसे हम सेलेक्ट, डिलीट, इंसर्ट और अपडेट भी कर सकते हैं। इट परफॉर्म्स रीड ओनली क्वेरीज ऑफ डेटा। तो इसके फोर कमांड्स होते हैं। पहला है सेलेक्ट, दूसरा इंसर्ट, थर्ड इज अपडेट एंड फोर्थ इज डिलीट। सबका एक स्पेसिफिक काम होता है। जो सेलेक्ट होता है, नाम से पता चल रहा है, वो सेलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। इंसर्ट अपना डेटा इंसर्ट करने के लिए, अपडेट मतलब डेटा को अपडेट करने के लिए, डिलीट डिलीट करने के लिए। तो एक एक करके हम सभी कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो डेटा को टेबल में इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट कमांड यूज़ करते हैं। उसका जो सिंटैक्स होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। इंसर्ट इनटू, उसके बाद हम लिखते हैं टेबल नेम, उसके बाद वैल्यूज़, जो हमने वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है। जब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पहले कॉलम में हमारे पास रोल नंबर है, तो हमने फर्स्ट कॉलम को वैल्यू दी 1। सेकेंड कॉलम में नेम है, तो हमने नेम दिया सैम। और थर्ड कॉलम में अगर हमें ग्रुप पूछा, तो मैंने लिख दिया फिर जीवन। तो इसे अब हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेरे पास एक मैंने एक टेबल क्रिएट करा हुआ है जिसका नेम है न्यू टेबल। तो इसमें मेरे पास तीन कॉलम्स हैं, एक रोल नंबर, फर्स्ट नेम और ग्रुप्स। अब मैं जो डेटा है उसे इंसर्ट करूँगा इंसर्ट कमांड से। तो यहाँ पे जो मेरा सिंटेक्स है, सबसे पहले मैं लिखूँगा इंसर्ट स्पेस इनटू, उसके बाद जो मेरा टेबल नेम है वो है न्यू टेबल, उसके बाद मैं दूंगा वैल्यूज़। वैल्यूज़ देने के लिए सबसे पहले जो मेरा रोल नंबर था कॉलम, तो मैंने इसलिए रोल नंबर दिया 1। अब आगे था फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है, तो इसलिए मैं उसे इन्वर्टेड कॉमास में लिखूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने नाम लिया सैम। और जो हमारा थर्ड कॉलम था वो है हमारा ग्रुप्स का, तो मैंने ग्रुप ले लिया G1 और इसे सेमी कॉलम से क्लोज कर दिया। मैं रोल नंबर 2 ले लेता हूँ। इसे अगर मैं रन करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे आउटपुट में शो हो रहा है 1 रोज इंसर्टेड। तो इस तरीके से हम अपने टेबल में डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हम अपने टेबल में से जो रिकॉर्ड्स है मतलब जो डेटा है वो डिलीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम डिलीट कमांड यूज़ करते हैं। तो उसका सिंटेक्स है वो है डिलीट फ्रॉम आगे टेबल नेम, उसके बाद वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 2। तो हमने अभी एक वैल्यू इंसर्ट की थी अपने टेबल में, जिसमें हमने रोल नंबर 2 दिया था और हमने फर्स्ट नेम और ग्रुप दिया था। तो अब मैं क्या करूँगा कि अब डिलीट कमांड से मैं रोल नंबर 2 की जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं डिलीट करूँगा। तो इसका जो सिंटेक्स है वो सबसे पहले हम लिखेंगे डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर रोल नंबर। ये जो रोल नंबर है कंडीशन होगी हमारी, कि इस कंडीशन को जब वो जो सेटिस्फाई करेगा वो उसे डिलीट कर देगा। फिर रोल नंबर इज इक्वल टू 2। तो मैंने यहाँ इसे रन किया, तो मेरे पास जो रिजल्ट है वह है 1 रो डिलीटेड। तो इस तरीके से हम अपने इंफॉर्मेशन को या रिकॉर्ड्स को, डेटा को डिलीट कर सकते हैं अपने टेबल से। तो अगर मैं अपने डेटा को या रिकॉर्ड्स को अपडेट या मॉडिफाई करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम अपडेट कमांड यूज़ करते हैं। तो उसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले हम अपडेट लिखते हैं, उसके बाद हम टेबल नेम सेट कॉलम नेम इज इक्वल टू वैल्यू, उसके बाद वेयर एक उसके बाद एक कंडीशन आती है। अब इसका मतलब क्या है कि हमने अपडेट लिखने के बाद हम टेबल नेम लिखते हैं, तो उस टेबल में हमने सेट करनी है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे किसी मैंने ग्रुप ग्रुप लिया है, तो मैंने ग्रुप की जो वैल्यू है मैं उसे G2 करना चाहता हूँ। कहाँ पे? जहाँ पे मेरा जो नाम है सैम। तो यहाँ पे जैसे मेरे पास जो टेबल है उसमें जो रोल नंबर 1 का जो ग्रुप है वो है G1। अगर मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसे G2 में करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं अपडेट कमांड यूज़ करूँगा। तो सिंटेक्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लिखेंगे अपडेट, उसके बाद टेबल नेम। मैं लिखा न्यू टेबल, हमने सेट करनी है एक कंडीशन को, एक वैल्यू देनी है। तो जो हमारा जो कॉलम नेम था, मैंने जो कॉलम नेम था वो हमारा ग्रुप्स,
मैंने ग्रुप्स को एक वैल्यू देनी है, जो मेरी प्रीवियस वैल्यू थी G1 उसे चेंज करके मैंने उसे G2 वैल्यू करनी है। तो मैं यहाँ लिखूंगा G2 वेयर, इसके बाद लिखा वेयर, यहाँ पे मेरा जो रोल नंबर है वो है 1। तो जो मेरा रोल नंबर 1, जैसे कि आप देख सकते हैं रोल नंबर 1 यहाँ पे है, उसका जो ग्रुप था उसे G1 से G2 में मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं इसे अगर रन किया तो यहाँ पे लिखा आ रहा है 1 रोज अपडेटेड। अब अगर मैं इसका आउटपुट देखूँ तो आउटपुट के लिए मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम न्यू टेबल। अभी जो सेलेक्ट है ये हम आगे पढ़ेंगे कि सेलेक्ट कमांड यूज़ कैसे होता है। तो अभी आपको मैं दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे जो ग्रुप है वो G1 से G2 में अपडेट हो चुका है हमारे अपडेट कमांड से। तो जो इसका सिंटेक्स है वो कुछ इस तरीके से है कि अगर हमने टेबल में से सब कुछ सेलेक्ट करके डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे सेलेक्ट स्टार मतलब एवरीथिंग फ्रॉम टेबल टेबल नेम। तो जो हमारा अगला सिंटेक्स है वो है सेलेक्ट, उसके बाद हम कॉल, जैसे कि अगर मैंने किसी टेबल में से आईडी और रोल नंबर सेलेक्ट करना है और उसे मैंने प्रिंट कराना है या फिर उसे मैंने डिस्प्ले कराना है, तो उसके लिए मैं लिखूंगा सेलेक्ट आईडी कॉमा रोल नंबर फ्रॉम टेबल नेम। तो जो थर्ड है वो है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, मतलब हमने वी हैव टू सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम दैट टेबल वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 1। मतलब रोल नंबर 1 जिसका भी है उसकी सारी इंफॉर्मेशन हमारे हमारे डिस्प्ले हो जाएगी। तो अब हम सेलेक्ट कमांड को यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम टेबल की सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कराएंगे, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे सेलेक्ट स्पेस स्टार फ्रॉम टेबल नेम, टेबल नेम था न्यू टेबल। तो मैंने इसे रन किया तो आप देख सकते हो मेरे टेबल में जो जितना भी डेटा था वो सब डिस्प्ले हो गया। तो जो हमारा जो सेकंड हमने सिंटेक्स किया था वो था कि अगर मैंने रोल नंबर या हम जो आईडी है और साथ में फर्स्ट नेम को सेलेक्ट करना है, सिर्फ मैंने मतलब दो कॉलम ही प्रिंट कराने, एक रोल नंबर का और एक फर्स्ट नेम का, तो उसके लिए मैं यहाँ पे टाइप करूँगा वो है सेलेक्ट रोल नंबर स्पेस स्पेस नहीं कॉमा फर्स्ट नेम फ्रॉम आगे टेबल नेम न्यू टेबल। इसे रन किया तो जो आउटपुट में मेरे पास सिर्फ रोल नंबर और फर्स्ट नेम ही प्रिंट होगा। तो जो थर्ड सिंटेक्स था उसमें हमने कोई भी एक कंडीशन ले ली कि अगर जैसे कि रोल नंबर 2 है तो मैं रोल नंबर 2 की सारी इंफॉर्मेशन प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो उसका जो सिंटेक्स है उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आगे टेबल नेम न्यू न्यू टेबल स्पेस वेयर, उसके आगे हम लिखेंगे कंडीशन, कंडीशन थी रोल नंबर इज इक्वल टू 2। तो इसे रन किया तो रोल नंबर 2 की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने डिस्प्ले करा दी। तो इस तरीके से हम सेलेक्ट कमांड यूज़ करते हैं। तो सेलेक्ट कमांड में हम रेंज भी यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे अगर यहाँ पे रोल नंबर दिए हुए हैं, अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा जो आउटपुट में सिर्फ 2 से लेकर 5 तक रोल नंबर वाले जो डेटा है सिर्फ वही प्रिंट होए, तो वो भी हम सेलेक्ट से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं लिखूँगा सेलेक्ट, मैंने सेलेक्ट का मैंने अगर आउटपुट में मैं रोल नंबर डिस्प्ले कराना चाहता हूँ और उनका और फर्स्ट नेम भी लिखा फर्स्ट नेम और साथ में ग्रुप्स भी कराना चाहता हूँ, मैं बाद उसके बाद लिखूंगा मैं फ्रॉम फ्रॉम उसके बाद टेबल नेम जो मेरा न्यू टेबल था, उसके बाद हम एक कंडीशन देंगे वेयर में, वेयर के आगे हम लिखेंगे जहाँ पे हमारा जो रोल नंबर है रोल नंबर लाइज बिटवीन, तो हम लिखेंगे बिटवीन 2 एंड 5। तो इसे जब हम रन करेंगे तो आउटपुट में हमारे सिर्फ 2 से लेकर 5 तक वाले रोल नंबर्स का जो डेटा है वो प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं ग्रुप्स नहीं चाहता तो यहाँ पे मैं ग्रुप्स हटा के फिर इसमें अगर रन करूँ तो यहाँ पे मेरा जो ग्रुप वाला कॉलम है वो हट जाएगा। तो इसी के साथ हमारा जो DML ख़त्म होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।